हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट स्पेस। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक गिलहरी मरी हुई पड़ी थी, जो कि पापा ने ही बताया कि वो गिलहरी मरी हुई पड़ी है, जिसकी बॉडी पूरी अकड़ चुकी है। तो ये कह सकते हैं कि इसको मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो ये पहले वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि पेड़ों में पानी डालते हैं या सफाई करते हैं तब पापा को ये नहीं दिखाई दी, और बाद में ये दिखाई दी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या तो इसको कोई पक्षी लेकर आया है, क्योंकि टाइम इसको ज़्यादा हो चुका है, बॉडी पूरी अकड़ चुकी है और यहाँ पर ये पहले थी नहीं, देखी नहीं थी। तो या तो इसको कोई पक्षी ही लेकर आया है। तो समझ नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर लता गुलाब लगाया हुआ है और डायंथस का भी प्लांट है, आप देख सकते हैं फ्लावर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ही हमने इसको ज़मीन में दबा दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स भी हैं और कोई जानवर भी नहीं आता है जिससे इसकी बॉडी को कोई नुकसान पहुँचाए ज़मीन से निकाल कर। तो यहीं पर पेड़ों के पास ही हमने ज़मीन में एक गड्ढा बनाकर इसको इसमें कवर कर दिया, दबा दिया इसमें। तो इससे इसके शरीर की भी दुर्गति नहीं होगी। कभी भी आपको ऐसा कोई जीव मिले जो कि मर चुका है, तो उसको ज़मीन में ज़रूर दबा दीजिए, उससे उसके शरीर की दुर्गति भी नहीं होगी और उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तो फिर हमने इसको देखा कि क्या परेशानी है, क्योंकि शरीर पर ऐसे कहीं चोट नहीं लगी हुई थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि नेचुरल डेथ है इसकी या इसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन फिर इसका एक इंटरनल ऑर्गन हमें दिखाई दिया जो कि बाहर आ चुका था, तो इसकी ये पहचान लगी हमें कि शायद इसको किसी ने हिट किया है, किसी बाइक ने या गाड़ी ने टक्कर मारी है, जिसकी वजह से इसका जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन है, वो बाहर आ गया है। तो ज़रूर इसका एक्सीडेंट ही हुआ होगा, क्योंकि अगर इसकी नेचुरल डेथ होती तो ये सही सलामत होती, तो हो सकता है इसका एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, अब ये जा चुकी है, बॉडी भी पूरी इसकी अकड़ गई है, तो इसको ज़मीन में दबा देना ही सही रहेगा। तो ये चीज़ें हम वैसे शेयर नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए भी शेयर करते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा जीव दिखाई दे जिसकी बॉडी की दुर्गति हो, इससे बेटर है आप उसको ज़मीन में दबा दें। और यहाँ पर फूल भी हैं डायंथस के, तो एक दो फूल भी हम बॉडी पर रख देते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे और इसको हम कवर कर देते हैं। तो कल की वीडियो है ये, कल हमने शेयर नहीं किया था। कल अक्षय तृतीया भी थी, परशुराम जयंती भी थी, ईद भी थी और वर्ल्ड अर्थ डे भी था। तो कल का दिन अच्छा था, शुभ था, तो हमने इसको ज़मीन में दबा दिया, इससे इसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। और कल एक बात और अच्छी थी, जैसे इसको तो हमने दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया, ये इसकी खुशनसीबी थी, क्योंकि बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं उनकी बॉडी में या चींटियाँ खा जाती हैं, तो इसको सही जगह मिल गई। और दूसरी बात ये कि एक तरफ ये कि जो हमने गिलहरी को इस तरह ज़मीन में दबाया और इसकी बॉडी को इस दुनिया से आज़ाद किया, दूसरी बात कल ये हुई कि कल ही एक तितली बनी थी, जो कि हम तितली सेव करते हैं, आपने कई वीडियोस में देखा ही होगा, तो जो तितली कल बनी थी उसको भी हमने उड़ा दिया। इस तरह एक अच्छे और शुभ दिन दोनों जीव आज़ाद हो गए, एक अपने जीवन की तरफ आज़ाद हुआ और एक मोक्ष की तरफ, यानी कि इस दुनिया से जाकर वो नई दुनिया में जन्म लेगा। और ऊपर से इसे ढकने के बाद हम एक पत्थर भी रख देते हैं, जिससे जो दूसरे जानवर हैं, कुत्ते वगैरह हैं, वो इस जगह को ना बेकार करें, क्योंकि जो डॉग्स वगैरह होते हैं जब उनको स्मेल आती है तब वो इनको बाहर निकाल लेते हैं और फिर से शरीर की दुर्गति हो, तो ये सही बात नहीं है। इसी तरह की लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि आपने उसको हाथ से मिट्टी में नहीं रखा है, हाथ से टच नहीं किया है, तो हाथ से टच हम नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या इन्फेक्शन है या वो उसकी डेथ कैसे हुई है तो पता नहीं चलता है, तो इसीलिए हम हाथ से इसको उठाकर नहीं रखते हैं। लेकिन दुर्गति भी नहीं करते हैं, उसको आराम से प्यार से रख देते हैं। कभी कभी ये सब देखकर दुख भी होता है और लगता है भगवान हमें ही क्यों दिखाते हैं ये सब, तो दुख होता है देखकर। लेकिन फिर एक बार को मन में आता है कि कोई अच्छे काम के लिए भगवान अगर आपको जरिया बना रहा है तो उसको आप फुलफिल कीजिए, उसको पूरा कीजिए। तो यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।